एबे भी कर्णाटक रे अछि केजीएफ। केजीएफ रु बाहरुथिला महणा महणा सुना जहा थिला ब्रिटिश सरकार पई एक खजाना। केजीएफ एमिति एक सिनेमा जहाकु हुए तो सब भारतीय देखि सारिथिबे आ सिनेमार दुईटी भाग को खूब पसंद मध्य करिसंती। सिनेमारे चित्रण होइथिबा प्रतिटी सीन को भी मने रखिथिबे। हेले केजीएफ भली एक सुनाखणी प्रकृत रे अछि कि नाही खूब कम लोक जानिथिबे। आ जदि अछि तेबे कोन सेथिरु एते परिमाणर सुना बाहरुथिला? हाँ, यह संपूर्ण सत। केजीएफ रो अर्थ हेउछि कोलार गोल्ड फील्ड। बेंगलोर ठारु प्राय 100 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एही सहरर कहानी हेउछि प्रकृत केजीएफ रो कहानी। यह एशियार द्वितीय सहर एवं भारत रे प्रथम जेउठारे विद्युत आरंभ होइथिला। ब्रिटिश सरकार से समय रे एक कृत्रिम ह्रद तैयारी करिथिले जेपरी सेही अंचल रे रहुथिबा इंग्रज माने कोनोसी समस्या रे सम्मुखीन न होवंतु। एही कृत्रिम ह्रद आज भी अछि एवं पर्यटक माने मध्य सेठाकु बुलिबाकु जांती। एक समय रे प्राय 40,000 कर्मचारी केजीएफ रे काम करुथिले एवं सेमानकर परिवार आखपाख अंचल रे रहुथिले। सेठारे किंतु सेही समय रे विद्युत एवं जल जोगाण व्यवस्था केवल वीवीआईपी मानक पई थिला। केजीएफ चलचित्र माध्यम रे जहां दर्शा जाइछि जे एही खणीरु केते परिमाणर ओ केमिति सुना बाहरुथिला ओ केते रोजगार हेउथिला ताहा पूरापूरी सत। कारण प्रकृत केजीएफ 1900 रा प्रथम दशंधि रे मध्य कोटि कोटि टंकार सुना उत्पादन करुथिला। सेही समय रे भारतर 95% सुना केजीएफ रु उत्पादित हेउथिला एवं सुना उत्पादन रे भारत षष्ठ स्थान रे पहुँचिथिला। सिवान समुद्र रे निर्मित कावेरी विद्युत केन्द्र रु विद्युत जोगाण एपरि हेउथिला जे केबे भी एठारे विद्युत काट हेउ नथिला। एठारे परिवेश थंडा थिबारु ब्रिटिश मानक रहिबा पई उपयुक्त स्थान थिला आउ सुनारु रोजगार मध्य बेस भल हेउथिला। एभली परिस्थिति रे सेही अंचलर विकास मध्य हेउथिला। बड़ बड़ कोठा डाक्तरखाना विद्यालय ठारु आरंभ करी क्लब पर्यंत ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारी तथा सुना कारबार करथुवा लोकंक पई एठारे निर्माण करा जैथिला। सेठारे बड़ गल्फ कोर्स भी थिला। एठारे एमिति विकास होइथिला जे लोकमाने एहाकु भारतर इंग्लैंड बोली कहिबा आरंभ कर दैथिले। सेही अंचल रे खणि चालिबा पर्यंत विद्युत काट हेउ नथिला, जलर अभाव भी नथिला। किंतु आज एठारे ना विद्युत अछि ना पीबा पई पर्याप्त जल। एठारे कार्य करथुबा श्रमिक माने अत्यधिक दारिद्र रे बंचिबाकु बाध्य होउछन्ति। आज परिस्थिति एमिति जे एही अंचल रे 2.5 लाख रु अधिक लोक बास करछन्ति किंतु सेमानक पाखरे रहिबाकु भल घर नाही किंबा कोनोसी सुविधा नाही। पुणी खणि आवर्जना कारणरु प्रदूषित परिवेश अनेक रोगर कारण होइछि। लोकमाने काम करिबा पई बेंगलोर पळाउछन्ति। एठारे दुईटी श्रेणीर लोक रहुथिले, धनी श्रेणीर लोक एवं खणिरे काम करथुवा भारतीय श्रमिक। गोटिए अंचल इंग्लैंड परिथिला तो आउ गोटिए अंचल 100 रे 100 वर्ग फुटर कोठरी थिला जेउठारे श्रमिक माने रहुथिले। सेठारे 400 टी कोठरी थिला। सेमानकर उपयुक्त शौचालय किंबा स्टोरेज लाइन नथिला, तथापि एठारे काम करथुवा लोकंकर चाकरी थिला। किंतु 2001 रे ताहा भी छडाइ निया जायथिला। बर्तमान 21 वर्ष धरी चालिथिबा केजीएफ को सरकार बंद कर दैछन्ती। कोहा जाउथले जे खणीर खर्च रोजगार ठु बळी पडुथिला, तेणु सरकार एही भार बहन करि पारि नथिले। तापरे सही समय रे सुनार मूल्य मध्य ह्रास पाइथिला। एही भळी परिस्थिति रे 30,000 कर्मचारी को भार बहन करिबा संभव नथिला, तेणु सरकार खणी बंद कर दैथिले। एठारु कर्मचारी को अवस्था बिगिड़ी जाइथिला। बर्तमान तांका पाखरे चाकरी नाही किबा रहिबा को घर नाही। खणीरे कार्य करथिबा श्रमिक माने फुसफुस, कर्कट, जकृत, कर्कट एवं सिलिकोसिस भली विभिन्न रोगर शिकार होउछन्ती। बर्तमान एही अंचल रे भल विद्युत जोगाण किंबा जल नहीं। खणी जोगो सेठारे सियानाइट पहाड़ सृष्टि होइछि। एहा देई जाउथिबा वायु एवं जल लोकक स्वास्थ्य को नष्ट करुछि। कोहा जाय जे केजीएफ रे 10,000 कोटी रु अधिक मूल्यर सुना रहिछि। 20 वर्ष धरी सेठारे कोनोसी खनन होइ नहीं। 12,500 एकर अधिक व्यापीथिबा एही अंचलर केवल अधा खनन करा जायछि, अधा सुना सेठारे अछि। 2001 रे जेतेबेले एही खणी बंद होइगला एहार संपत्ति 41 न्यूत डॉलर बोली आकलन करा जायथिला। तेबे सेतेबेले एक टन माटी खोलिबा पई
11,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏପରି କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଖୋଳି ସୁନା ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜର୍ଜ ୱାରେନ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ଖଣିରୁ ସୁନା ଦେଖାଇବ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ମାଟିକୁ ଧୋଇବା ପରେ ସେଥିରୁ ସୁନା ମିଳିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସୁନା ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। 1875 ମସିହାରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଖନନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କେଜିଏଫ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନା ଯୋଗାଇଲା। 1956 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରେ କେଜିଏଫ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଖଣିର ମାଲିକାନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜାତୀୟକରଣ ବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କେଜିଏଫ୍ ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। 1979 ମସିହାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବେତନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ନିଅଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ 2001 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗତ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଜିଏଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଅଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। 2016 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।